आज इस वीडियो को देख रहा हर एक इंसान एलियंस की मिस्ट्री को जानना चाहता है। तो आखिर क्या कारण है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसी हमसे ये राज छुपा रही है? और क्योंकि हमारे पास एलियंस के सबूत हो या ना हो, बट एलियंस को देखे जाने की घटनाएं और उनकी कहानियों की कोई कमी नहीं है। और कहानी के बाहर कई ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट रिपोर्ट भी कुछ UFO जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देखने का दावा करती है। जब इस एलियन साइट्स पर रिसर्च किया जाता है तो इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता, और कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कह दिया जाता है कि इस घटनाओं का कोई डायरेक्ट प्रूफ ही नहीं है। ये रिपोर्ट हमें ये बताने में भी कामयाब नहीं होती कि ये एलियंस नहीं थे, तो ये हुआ कैसे? मतलब सपोज करो कि आपको अचानक से एक UFO दिखाई दे जाता है और आप ये कहते हो कि देखो मैंने एलियन क्राफ्ट देखा, तो गवर्नमेंट आपको गलत प्रूफ कर सकती है। बट उसे ये भी तो प्रूफ करना ही होगा ना कि अगर वो UFO नहीं था तो आखिर वो क्या चीज था। इस बात की शुरुआत होती है July 1947 को, जब अमेरिका में UFO का बड़ा क्रेज चल रहा था। जब देश भर में छोटे बड़े हर शहरों में ये खबर आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसेज को उड़ते हुए देखा है, और उनका कहना था कि उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, करीब 2000 किलोमीटर पर आवर जितनी थी। अब इन सभी आर्टिकल के बेस पर US आर्मी ने ये क्लेम किया कि वो एक वेदर बलून है, और प्रूफ के तौर पर उन्होंने ये फोटो पब्लिक किया। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है और टाइम के साथ सभी का इस पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कई साल बाद करीब 1970 के दशक में फिर से ये अफवाहें फैलने लगती हैं, जिसमें कहा जाता है कि मैक्सिको के डेजर्ट पर एलियन क्राफ्ट देखा गया है, जिसके दौरान इस पर एक लाइटिंग इफेक्ट होता है और वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और यहाँ पर बैठे उन सभी एलियंस की डेथ हो जाती है। और साल 1980 में इस पर एक बुक भी लिखी गई, जिसमें कहा गया कि जो मलबा उन्होंने देखा था वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो अर्थ पर बना हो। और तब से लेके आज तक इस बुक की इम्पोर्टेंस बढ़ती ही चली गई, और इससे रिलेटेड कई नई थियोरी भी उभर कर सामने आती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो UFO क्रैश हुआ था वहाँ पर से एक जिंदा एलियंस पाया गया है, और US आर्मी ने उस एलियंस बॉडीज को एक सीक्रेट प्लेस पर रख दिया है। और कुछ लोग मानते हुए ये भी कहते थे कि आज के दिन तक उन एलियंस को कैद किया गया है और US आर्मी उस एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है, और ये सब कुछ हो रहा है एक टॉप सीक्रेट प्लेस पर। उसका नाम है Area 51। आखिर इस प्लेस पर सिर्फ अमेरिका के ही प्रेसिडेंट क्यों जा सकते हैं और कोई आम जनता क्यों नहीं जा सकती? क्या रियल में इसके पीछे कुछ एलियंस जैसी मिस्ट्री हो सकती है? तो हम यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के टाइम में ये Area 51 एक US मिलिट्री फैसिलिटी है जो रेगिस्तान के बीचों बीच देखने को मिलता है। इसके आसपास मीलों तक कोई विलेज, कोई सिटी एरिया नहीं है। यहाँ पर आना, ट्रेस पार्किंग और आम जनता के लिए इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाहर कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड दिखाई देंगे जिस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे जाती है तो डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि कितनी बार वार्निंग लिखा गया है। इस जगह पर इतना आइसोलेटेड रहने के पीछे का रीजन ये है कि ये Area 51 लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल लैंड के अंदर आता है। इस जगह का नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। 12,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा में फैला हुआ ये एरिया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जा रही है, उसे फोड़कर देखा जा रहा है, तो ऐसे जगह को रिस्ट्रिक्टेड बनाना बहुत जरूरी बन जाता है। दरअसल Area 51 को अपने फाइटर प्लेन के टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो जब मिलिट्री के इतने इम्पोर्टेंट हथियारों को यहाँ टेस्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे सिक्योर ही रखा जाएगा। और शुरू से ही इस जगह के बारे में बाहरी लोगों को बहुत कम जानकारी रही है, और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि जहाँ इन्फॉर्मेशन की कमी हो जाती है वहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरी अपने आप फैलने लगती है। अब सोवियत यूनियन द्वारा US का जब एक जहाज काउंटर हुआ तो उसके बाद मिलिट्री पर गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा प्लेन बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि जिसे काउंटर करना लगभग इम्पॉसिबल हो, और जो ज्यादा तेज उड़ता हो, जो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट हो। और कुछ ऐसा ही जहाज बनकर तैयार होता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 3400 किलोमीटर पर आवर जितनी है, जो 24,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये इतना ऊंचा और इतना तेज कि कोई चांस नहीं मिलता कि इसे काउंटर किया जा सके, और ऐसे फाइटर प्लेन को उस टाइम से रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो आप खुद ही सोचो कि आखिर ऐसे भी क्या किया जाता जिससे टेस्टिंग भी हो जाती और किसी दूसरे को भनक भी नहीं लग पाता। तो CIA एजेंसी UFO की हेल्प लेती है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी फैली हुई थी कि जो आसमान में
यूएफओ दिखाई दे रहे हैं, CIA खुद इन थियोरीज को बढ़ावा देती है। शायद इसीलिए वो इस बात को मानती भी नहीं है और एक तरीके से उसकी रियलिटी भी नहीं बता पाती। अगर आप देखोगे तो आमतौर पर एरोप्लेन्स करीब 10,000 या 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं, लेकिन ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम एल्टीट्यूड करीब 26,000 मीटर था। नॉर्मली इनकी टेस्टिंग उस टाइम सनसेट के एग्जैक्ट पहले की जाती थी। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट सनसेट के टाइम इतनी हाइट पर उड़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली चमक ही रहे होंगे। जब उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो किसे नहीं लगेगा कि एक एलियंस UFO है। एक तरीके से UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब चूंकि एरिया 51 के आसपास के इलाकों में ही ये ज्यादातर देखने को मिलता था, इसीलिए एरिया 51 को एलियन से एसोसिएट कर दिया जाता है। आज के दिन में एरिया 51 भले ही एक टूरिज्म प्लेस बन गया हो, बट उसके अंदर जाना आज भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में भी वहां पर मिलिट्री बेस वेपन फाइटर जेट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर वर्क किया जाता है। अगर आप इसके पहले कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करते होगे, तो आई होप इस वीडियो से एरिया 51 की रियलिटी आपको जरूर पता चली होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।